दिस प्रोफेसर डॉक्टर गौरव मेहता और आज हम कंटिन्यू करेंगे अकाउंट्स का ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का सेक्शन बी जो कि 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं। हमने ऑलरेडी 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं और ये बाकी के 50 क्वेश्चंस हैं जो 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव टूडे, वॉट इज़ सुपर प्रॉफिट, मतलब कि सुपर प्रॉफिट जो है वो क्या होता है। प्रैक्टिकल वी ऑलरेडी नो कि सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, उसको कैसे डिवाइड करते हैं, थियरी में क्या है। व्हेन ए बिजनेस अर्न्स एक्सेस प्रॉफिट ओवर एंड अबव एवरेज प्रॉफिट देन द अमाउंट ऑफ एक्सेस प्रॉफिट इज कॉल्ड द सुपर प्रॉफिट। यहाँ पर फ्रेंड्स एक वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो है एक्सेस प्रॉफिट। तो एक्सेस प्रॉफिट आपको लिखना ही लिखना है। यहाँ पे क्या बोला है कि जो एवरेज प्रॉफिट है उसके ऊपर का जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी एक्सेस प्रॉफिट होता है, उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। कई बार इक्वेशन भी पूछा जाता है तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो एवरेज और एक्सपेक्टेड के बीच का डिफरेंस है वो है सुपर प्रॉफिट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जनरली विच रेशियोज आर कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो परसेंटेज के टर्म्स में कौन से रेशियोज जो है वो कैलकुलेट होते हैं। तो जनरली प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आर कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इसका आंसर है। जैसे हमको पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, नेट प्रॉफिट रेशियो है, ये सारे कौन से हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो सेल्स के बेसिस पे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है वो किस में मेजर होते हैं, परसेंटेज में। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट द नेसेसरी अकाउंटिंग एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो जब भी नए पार्टनर को हम एडमिशन देते हैं अपनी फर्म में या नए पार्टनर को लाते हैं तब कौन से एडजस्टमेंट जो हैं वो ज़रूरी होते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो है एडजस्टमेंट रिलेटेड टू द गुडविल। तो अकाउंटिंग इफेक्ट उसकी भी देनी पड़ेगी क्योंकि जो नया पर्सन आ रहा है वो अपना गुडविल लेके नहीं आ रहा है। तो गुडविल जो बनाया हुआ है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने बनाया हुआ है। तो पहली जो इफेक्ट होगी वो होगी अकाउंटिंग इफेक्ट्स रिलेटेड विद द गुडविल। उसके बाद देखते हैं सेकंड इफेक्ट, अकाउंटिंग इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द रिवेल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। तो एक इफेक्ट हमने देख ली कि जो इफेक्ट है गुडविल की, दूसरी इफेक्ट है कि वो होगी इफेक्ट ऑन प्रॉफिट और लॉस, इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम रिवेल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। मतलब कि असेट्स को हम रीवेल्यूएट करते हैं, मतलब कि पहले उसकी कितनी वैल्यू थी असेट्स की, अभी कितनी वैल्यू है, उसके हिसाब से हम रीवेल्यूएट करेंगे, उसका वैल्यू हम नया ढूंढेंगे, फाइंड करेंगे। और उसके अलावा रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, मतलब कि हमको कितना पेमेंट बाकी है, कितना देना है, उसका क्या करेंगे, रीअसेसमेंट। तो रीवेल्यूएशन करेंगे एसेट्स का और रीअसेसमेंट करेंगे लायबिलिटीज़ का। तो ये दोनों चीज़ें करेंगे, वो भी ज़रूरी होगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर। और बाकी जो है वो होगा अकाउंटिंग इफेक्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस और द रिजर्व्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नए पार्टनर को एडमिशन के टाइम देते हुए हमको करनी पड़ेगी। तो हम रिवाइज कर लेते हैं उसको। पहले जो चीज़ थी वो थी गुडविल, तो अकाउंटिंग एंट्रीज और इफेक्ट्स रिलेटेड टू द गुडविल। सेकेंड वन था वो था रीवेल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। और जो थर्ड पार्ट था, थर्ड एंड लास्ट पार्ट, वो हमारा था यहाँ पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस की इफेक्ट। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा, चलिए समझते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। हाउ वुड यू डील विद द बैलेंस ऑफ प्रोविडेंट फंड, मतलब कि प्रोविडेंट फंड के बैलेंस का क्या करेंगे, विच इज डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। मतलब कि पार्टनरशिप फर्म को जब डिसोल्व करते हैं, मतलब कि बिजनेस को एंड करते हैं जब भी, तो प्रोविडेंट फंड का बैलेंस होगा उसका क्या करेंगे और उससे कैसे डील करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे प्रोविडेंट फंड क्या है, वो लायबिलिटी है पार्टनरशिप फर्म की, क्योंकि प्रोविडेंट फंड जो है वो एवरी मंथ एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से कट होता है और जो एडिशन है वो एम्प्लॉयर भी करता है। उसका मतलब कि हमको जो वो पैसे हैं वो हमारे एम्प्लॉयज़ हमारे अंडर जो काम कर रहे हैं उन लोगों को देना है। दैट मीन्स कि प्रोविडेंट फंड जो है वो क्या है, लाइबिलिटी है, वो हमारे बिजनेस की लाइबिलिटी है। देयरफॉर द बैलेंस ऑफ प्रोविडेंट फंड इज क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड प्रोविडेंट फंड अकाउंट इज टू बी क्लोज्ड। तो प्रोविडेंट फंड क्या करेंगे हम, उसका
जो भी फंड है वो क्रेडिट करेंगे कौन से अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि वो जो पार्ट है वो हमको देना है, एम्प्लॉयज़ को वापस दे देना है, तो इट विल बी क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंड दूसरी चीज़ क्या होगी, प्रोविडेंट फंड का अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा। क्यों क्लोज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो फर्म जो है वही डिसॉल्व हो रही है, इसलिए प्रोविडेंट फंड अकाउंट इज टू बी क्लोज्ड। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे फुल फॉर्म पूछे गए हैं हमको आईपीओ के और एफईपीओ के। तो आईपीओ मतलब आपको पता ही है इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स जो हैं वो अनाउंस करती है और वो लोगों से पैसे लेती है और उनको शेयर देती हैं। शेयर देती है इसका मतलब क्या है कि पार्टनरशिप देती है अपनी कंपनी में, तो उसका जो इनिशियल स्टेज है वो होता है आईपीओ, मतलब कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। चलिए देखते हैं सेकंड फुल फॉर्म एफपीओ। एफपीओ क्या है, फर्दर पब्लिक ऑफर, या फिर आप बोल सकते हो कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो एफपीओ जो है वो है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। चलिए फ्रेंड्स आगे जाते हैं, नेक्स्ट वन इज़ फुल फॉर्म ऑफ टीडीएस। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आपको 100% करेक्ट करने हैं ये क्वेश्चन भी, और लक्ष्य में हम रिपीटेडली यही करवाते हैं ताकि आपका 1 मार्क वाला कोई भी एक क्वेश्चन भी गलत ना हो और आप पूरे मार्क्स उसमें से लेके निकले। तो टीडीएस का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यहाँ पे कई बार स्टूडेंट्स सोर्स के बदले कुछ अलग अलग वर्ड्स लिखते हैं, वो नहीं होना चाहिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स उसका मतलब क्या है कि आपको सैलरी टैक्स काट के ही मिलेगी, मतलब कि डिडक्शन, मतलब वो माइनस हो गया कहाँ से, सोर्स में से ही, जहाँ से आपका इनकम का सोर्स है वो सैलरी में से ही आपको टैक्स जो है वो माइनस करके दे रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट कैन बी नोन थ्रू कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, मतलब कि कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें से हमको क्या मिलेगा, क्या जान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आंसर इसका। ड्यूरिंग टू पीरियड्स हाउ मच टोटल रिवेन्यूज एंड टोटल एक्सपेंसेस हैव चेंज्ड, दिस कैन बी असर्टेन्ड फ्रॉम द कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अभी जैसे फ्रेंड्स आपको पता चल गया होगा कि कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है उसको क्या करना है, हमको कंपेयर करना है। तो कंपेयर करके हमको क्या पता चलेगा कि ड्यूरिंग टू पीरियड्स, मतलब कि दो अलग अलग टाइम पीरियड के दरमियान, या जब भी दो टाइम पीरियड हुए तो उस टाइम पीरियड के बीच में टोटल रिवेन्यूज और टोटल एक्सपेंस कितने चेंजेस हुए हैं, और इन टर्म्स ऑफ रुपीस कितने चेंज हुए हैं, और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितने चेंज हुए हैं, वो हमको पता चलेगा कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से। तो आपके पास बहुत ही क्लियर आइडिया होना चाहिए इसका, ड्यूरिंग द टू पीरियड्स हाउ मच रेवेन्यूज एंड टोटल एक्सपेंसेस हैव चेंज्ड इन टर्म्स ऑफ रुपीस एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, दैट कैन बी नोन फ्रॉम द कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। मतलब कि टोटल रिवेन्यू कितना बड़ा है, रुपीज़ में कितना बड़ा है और परसेंटेज में कितना बड़ा है, उसके अलावा टोटल एक्सपेंसेस जो है वो कितने ग्रो हुए हैं या कितने चेंज हुए हैं, दोनों टर्म्स में, रुपीज़ के टर्म्स में और परसेंटेज के टर्म्स में, वो हमको पता चल सकता है कहाँ से, कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से। तो ड्यूरिंग टू पीरियड्स हाउ मच टोटल रिवेन्यूज एंड टोटल एक्सपेंसेस हैव चेंज्ड, कौन सी दो चीज़ हुई चेंज, टोटल रिवेन्यूज एंड टोटल एक्सपेंसेस, और वो कौन से टर्म्स में चेंज हुई, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ द रुपीज, इट कैन बी नोन फ्रॉम द कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्रोस प्रॉफिट रेशियो एंड द नेट प्रॉफिट रेशियोज आर रेवेन्यू बेस्ड रेशियोज और द एक्सपेंस बेस्ड रेशियोज। अभी जो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो है या नेट प्रॉफिट रेशियो है वो कौन से टाइप के रेशियोज हैं, उस या उसका बेस क्या है। तो यहाँ पे ये दोनों रेशियो है वो रेवेन्यू बेस्ड रेशियो है। क्यों रेवेन्यू बेस्ड रेशियो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या मिलता है हमको, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो मतलब कि ग्रोस प्रॉफिट अपॉन सेल्स, और नेट प्रॉफिट रेशियो मतलब नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स। तो ये जो नेट प्रॉफिट या ग्रोस प्रॉफिट हो रहा है वो हमारा क्या है, रेवेन्यू है, वो हमारा एक्सपेंस नहीं है। तो ग्रोस प्रॉफिट के नाम में ही लिखा है कि हमको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, हमको मिल रहा है रेवेन्यू। तो इसीलिए ये जो दोनों रेशियो है वो कौन से रेशियो है, रेवेन्यू बेस्ड रेशियोज। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इनकम्स आर नॉट कंसिडर्ड ड्यूरिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो जब भी हम ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं
तो कौन सी इनकम को कंसिडर नहीं करना है फ्रेंड्स, कौन सी इनकम को कंसिडर नहीं करना है, दिस इज द क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं, आंसर बहुत ही सिंपल और बहुत ही कॉमन सा है। तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो उसका मतलब कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम जितनी भी है वो कैलकुलेट नहीं करनी है, वो कंसिडर नहीं करनी है। अभी नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन सी है, जैसे कि इनकम इंटरेस्ट रिसीव्ड या डिविडेंड रिसीव्ड, वो कौन सी इनकम है हमारी, फाइनेंशियल इनकम या फाइनेंशियल कॉस्ट जो है वो अगर हो जाएगी अगर हम उसको देते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड मतलब कि वो हमारे फाइनेंशियल इनकम हो गई, अगर इंटरेस्ट गिवन होता तो वो होती हमारी फाइनेंशियल कॉस्ट। तो इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, जिन दोनों को रिसीव किया है, या प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ द एसेट है, ये सभी कौन सी इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो ये जो है वो कंसिडर नहीं होंगी, कब, जब हम ऑपरेटिंग कॉस्ट को डिटरमाइन कर रहे हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपका आंसर क्लियर होगा कि जो भी हमारी फाइनेंशियल कॉस्ट है या फाइनेंशियल इनकम है, जिसको बोलेंगे नॉन ऑपरेटिव इनकम या नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रांजेक्शन्स आर ऑलवेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मतलब ऐसे कौन कौन से ट्रांजेक्शन है कि जिसको हमेशा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही बोला जाएगा, उसको फाइनेंशियल एक्टिविटी या ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं बोलेंगे। तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के, पहली चीज़ परचेज और सेल ऑफ द फिक्स्ड टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स, मतलब कि आपने अगर परचेज किया है कोई असेट, जैसे कि कोई बिल्डिंग परचेज कर ली, कोई शॉप परचेज कर ली, तो उसको बोलेंगे परचेज ऑफ द टेंजिबल असेट्स। तो वो कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्यों उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोला जाएगा, क्योंकि उसको हम आज लेंगे तो लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए लेंगे, तो वो एक इन्वेस्टमेंट हो गया कंपनी का, तो उसको आज लिया और कल बेच दिया ऐसा नहीं होता, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इसलिए वो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद परचेज और सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब कि आपने अगर परचेस किया कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, आरबीआई के बॉन्ड्स होते हैं, उसको आप मिनिमम 10 साल के लिए ही ले सकते हो, 10 साल के पहले उसमें से पैसा आप वापस निकाल नहीं सकते। तो ये हो गया लॉन्ग टर्म परचेज और सेल ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो ये सब ट्रांजेक्शन है वो कौन सी एक्टिविटी है, हमेशा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अभी यहाँ पे आप टेंजिबल एसेट्स भी परचेस कर सकते हो या इनटेंजिबल एसेट्स भी परचेस कर सकते हो, जैसे कि कोई पेटेंट हो गई, कॉपीराइट हो गई, कोई सॉफ्टवेयर हो गया, तो ये सारी चीज़ों को भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोला जाएगा। तो मैं फिर से रिवाइज कर दूँ एक बार, परचेज सेल्स ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स, परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ये जो सारी चीज़ें हैं वो आएगी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, क्योंकि वो हमने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वन, व्हेन इज सेड दैट गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बिजनेस, तो बिजनेस की कोई गुडविल ही नहीं है, कोई रेपुटेशन ही नहीं है, ऐसा हम कब बोल सकते हैं। तो देखते हैं आंसर, व्हेन बिजनेस अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट और जीरो प्रॉफिट और सफर्स लॉसेस, देन वी कैन से दैट गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बिजनेस। तो यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, कंपनी को कोई सुपर प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, मतलब कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, या फिर ज़ीरो प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब कुछ प्रॉफिट ही नहीं है, या फिर लॉस सफ़र कर रही है कंपनी। तो इन तीनों चीज़ों में हम बोल सकते हैं कि गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द कंपनी, मतलब कि कंपनी के नाम के हिसाब से या कंपनी के रेपुटेशन के हिसाब से कस्टमर उसको नहीं मिल रहे हैं, तो उसको बोलेंगे कि यहाँ पे गुडविल नहीं है। कई बार फ्रेंड्स हम प्रोडक्ट परचेस करते हैं कंपनी के नाम को देखकर, टाटा के नाम को देखकर आप टाटा के प्रोडक्ट्स ले सकते हो, जैसे टाटा टी है, टाटा कॉफ़ी है, तो वो सब चीज़ें आप ले सकते हो, क्योंकि उसके साथ टाटा का नाम जुड़ा हुआ है, एक गुडविल या एक रेपुटेशन जुड़ा हुआ है। तो जब भी आपका प्रॉफिट है वो नॉर्मल प्रॉफिट है, मतलब कि सुपर प्रॉफिट नहीं है, या फिर ज़ीरो प्रॉफिट है, या कंपनी लॉस में सफ़र कर रही है, उसका मतलब क्या हो गया कि गुडविल नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर फॉर द चेंजेस इन ए पार्टनरशिप। ओके, सो हमारे पास कितने रीजंस हैं कि जिससे पार्टनरशिप जो है वो चेंज हो सकती है, और हमको एक रीज़न जो है वो मेंशन भी यहाँ पे करना है। तो पार्टनरशिप जो है वो कई बार चेंज हो सकती है, देर आर थ्री मेन रीजंस बिकॉज ऑफ विच द पार्टनरशिप कैन चेंज।
तो पहला रीजन देखते हैं यहाँ पे, द चेंज इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग बिटवीन द पार्टनर्स। जैसे कि फ्रेंड्स तीन पार्टनर्स हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, तीनों ने एक एक लाख रुपए निकाले और बिजनेस कर रहे हैं। तो अभी अगर ऐसा हुआ कि तीन में से एक पार्टनर ने 50,000 विड्रॉ कर लिए बिजनेस में से, उसको 50,000 चाहिए और उसने विड्रॉ कर लिए वो, तो उसका मतलब क्या होगा कि प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है वो अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि पहले तो सबका रेशियो सेम था क्योंकि सब लोगों ने एक एक लाख रुपये निकाले थे। अभी सिचुएशन क्या हो गई कि दो पर्सन ने तो एक एक लाख निकाले हैं, लेकिन जो तीसरा बंदा था, तीसरा पर्सन था, उसने क्या किया है 50,000 विड्रॉ कर लिया है। उसका मतलब कि उसको उतना कम प्रॉफिट मिलेगा, उसका मतलब कि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है वो है डिफरेंट, तो वो जो पहले था उससे बदल गया है। तो जब भी ऐसा होता है तो पार्टनरशिप में चेंज होता है। चलिए देखते हैं कि दूसरा कौन सा रीज़न है कि जहाँ पे हम पार्टनरशिप चेंज कर सकते हैं। जब भी आप कोई पार्टनर को ऐड करोगे, मतलब कि अगर एडिशन हो रहा है किसी पार्टनर का, तो इन दैट केस ऑल्सो द पार्टनरशिप विल चेंज, क्योंकि पहले दो ही पार्टनर थे, अभी हो गए तीन पार्टनर। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक और रीज़न बता दूं कि डेथ ऑफ द पार्टनर, या फिर बोल सकते हैं रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। तो ये भी वो चीज़ है कि जहाँ पे पार्टनरशिप जो है वो चेंज होगी, क्योंकि जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है या जिसकी भी डेथ हो रही है, उसका शेयर जो है वो उसके नॉमिनी को मिल जाएगा, मतलब उसके बच्चों को मिल जाएगा, या फिर अगर वो रिटायर होता है तो उसका जो शेयर है वो खुद लेके जाएगा। तो ये तीन रीज़न है कि जिससे पार्टनरशिप जो है वो चेंज हो सकती है। चलिए फ्रेंड्स, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 63। व्हेन गुडविल ऑफ ए न्यू पार्टनर इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप, तो गुडविल कब रिकॉर्ड नहीं होगी नए पार्टनर के लिए। तो देखते हैं इसका आंसर, व्हेन द गुडविल प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली बाय द न्यू पार्टनर सो नो अकाउंटिंग एंट्री इज रिकॉर्डेड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि गुडविल का प्रीमियम तो है, मतलब कि पार्टनर को गुडविल का अमाउंट तो बिजनेस में देना है, क्योंकि सपोज़ कि दो पार्टनर नए स्टार्ट कर रहे हैं, दो पार्टनर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और तीसरा पर्सन अगर बिजनेस में बाद में एंटर हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स कि जो तीसरा पर्सन है उसको गुडविल का भी प्राइस देना पड़ेगा, क्योंकि दो पर्सन ने मिलकर पहले से ही कंपनी की एक रेपुटेशन, एक गुडविल बना लिया है। तो ये कब रिकॉर्ड नहीं होगा, ये तब रिकॉर्ड नहीं होगा कि जब भी गुडविल प्रीमियम जो है वो प्राइवेटली पे हो गया किसको, ओल्ड पार्टनर्स को। किसने पे किया है, न्यू पार्टनर ने। तो व्हेन गुडविल प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर टू द ओल्ड पार्टनर्स, तो इस सिचुएशन में जो है वो अकाउंटिंग एंट्री जो है वो रिकॉर्ड नहीं होगी। कहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगी, कंपनी के अकाउंट में, बिजनेस के अकाउंट में या पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट में जो है उसकी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि वो जो है वो प्राइवेटली पे कर दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म वेयर द बैड डेब्ट्स रिकवरी इज रिकॉर्डेड, तो बैड डेब्ट रिकवरी है वो कहाँ रिकॉर्ड होती है, जब भी डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म होता है। तो पहले तो हमको पता है कि बैड डेब्ट्स रिकवरी क्या है, तो उसके हिसाब से ही हमको आंसर लिखना है, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन भी है। सो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, कि जब भी फर्म क्लोज हो रही है, तो बैड डेब्ट रिकवरी रिकॉर्ड होगी क्रेडिट साइड के रियलाइजेशन अकाउंट में, और उसके साथ साथ वो रिकॉर्ड होगी डेबिट साइड में कैश एंड बैंक अकाउंट में। अभी ऐसा क्यों है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बैड डेब्ट रिकवरी है वो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड होगी, क्योंकि कंपनी के पास वो पैसा है या कंपनी के पास वो पैसा आ रहा है, तो इसलिए वो रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड होगी। लेकिन कैश और बैंक में वो कहाँ पे होगी, डेबिट साइड पे होगी, क्योंकि वो पैसा उसको दे देना है। तो यहाँ पे आपको दोनों एंट्रीज याद रखनी है कि बैड डेब्ट रिकवरी जो है वो कहाँ रिकॉर्ड होगी, क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट में और डेबिट साइड में कैश और बैंक अकाउंट्स में। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट ए कंपनी कैन गिव एट द टाइम ऑफ रीइश्यू ऑफ फॉरफीचर शेयर, मतलब कि फॉरफिटेड शेयर है उसको अगर कंपनी रीइश्यू कर रही है, फिर से लोगों को दे रही है, तो वो उसका मैक्सिमम डिस्काउंट कंपनी कितना दे सकती है। तो चलिए मैक्सिमम डिस्काउंट जो है यहाँ पे कंपनी कैन गिव अप टू द अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, तो जितने शेयर्स फॉरफिट किए हैं उतने अमाउंट तक का डिस्काउंट कंपनी शेयर होल्डर्स को दे सकती है। सो एट द टाइम ऑफ फॉरफिचर, एट द टाइम ऑफ रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स,
कंपनी कैन गिव मैक्सिमम डिस्काउंट टू न्यू शेयर होल्डर्स अप टू द अमाउंट विच इज फॉरफिटेड. तो जितनी अमाउंट फॉरफिट कर दी गई थी उतने अमाउंट तक का ही ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट दिया जा सकता है. तो इतने ही अमाउंट जो है वो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट दे सकती है. कितना अमाउंट? जितना फॉरफिट हुआ था उतना. चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. विच टाइप ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट कूपन्स आर अटैच्ड? ऑन विच टाइप ऑफ डिबेंचर्स इंटरेस्ट कूपन्स आर अटैच्ड, मतलब कि कौन से टाइप के डिबेंचर्स में इंटरेस्ट कूपन जो है उसको अटैच किया जाता है. तो यहाँ पे वो अटैच किया जाएगा कहाँ पे? बियरर डिबेंचर में. बियरर डिबेंचर है उसमें इंटरेस्ट का कूपन भी सेपरेटली अटैच करके दिया जाएगा. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स. अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट ए कंपनी में इश्यू हाउ मेनी टाइप ऑफ शेयर्स और वो कौन कौन से हैं? तो कितने टाइप के शेयर्स इश्यू कर सकती है कंपनी? हाउ मेनी टाइप ऑफ शेयर्स कैन बी इश्यूड बाई ए कंपनी अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट? सो कंपनी में इश्यू टू टाइप ऑफ शेयर्स. वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. वन इज द इक्विटी शेयर एंड वन इज द प्रेफरेंस शेयर. तो इक्विटी शेयर जो है वो तब इश्यू होते हैं जब भी कंपनी IPO लेके आती है, और प्रेफरेंस शेयर तब इश्यू होते हैं जब भी कंपनी के पास कोई प्रेफरेंस है शेयर्स को अलॉट करने के लिए. मतलब कोई स्पेसिफिक लोगों को ही शेयर देने चाहती है कंपनी, सबको पब्लिक में देना नहीं चाहती है, तो वो हो गए प्रेफरेंस शेयर. चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स. व्हाट इज स्टॉक टर्नओवर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स. आपको ये बहुत ही ईजीली याद रखवाऊंगा मैं, और इक्वेशन भी यहाँ पे मैंने दे रखा है आपको, तो आप 100% उसमें करेक्ट मार्क लेके आएंगे. तो स्टॉक टर्नओवर क्या है? तो वो है रेशियो. किसका रेशियो है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू द एवरेज स्टॉक. मतलब कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है डिवाइड करेंगे एवरेज स्टॉक से तो हमको मिलेगा स्टॉक टर्नओवर. स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या है? मतलब कि आप जितना कितना जल्दी आप अपने गुड्स जो हैं बनाए हैं उसको बेच सकते हैं उसको बोलते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो. कंपनी के हिसाब से स्टॉक टर्नओवर रेशियो एक से ज़्यादा होना चाहिए. इट शुड बी मोर देन वन. बाय विच रेशियोज सोलवेंसी इज मेजर्ड? तो सोलवेंसी कौन से रेशियो से मेजर हो सकती है? तो फर्स्ट वन इज डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, नेक्स्ट टोटल एसेट टू डेप रेशियो, नेक्स्ट वन इज प्रोप्राइटरी रेशियो, और लास्ट वन जो है वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. ये सभी रेशियोज को देख के आप मेजर कर सकते हो कि सोलवेंसी कितनी है. ऐसा तो नहीं है कि कंपनी ने इतना ज़्यादा लोन लिया है कि वो इंसॉल्वेंट हो जाएंगे या फिर कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी. तो ये कैसे पता चलेगा आपको? इन सारे रेशियोज से. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके एक्सप्लेन करता हूँ. डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, अगर कंपनी की डेब्ट बहुत ही ज़्यादा है, उसने बहुत ही सारी लोन ले रखी है, तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कितना आएगा हमारा? बहुत ही कम आएगा, क्योंकि डेब्ट डिवाइड बाई इक्विटी है. तो अगर बहुत ही ज़्यादा डेब्ट है तो ऊपर की वैल्यू ज़्यादा आएगी. उसका मतलब कि अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही ज़्यादा आ गया आपका, तो उसका मतलब ये है कि चांसेस हैं कि कंपनी जो है वो लिक्विडेड हो जाए या कंपनी जो है वो डिसॉल्व हो जाए और सोलवेंसी डिक्लेयर कर दे, मतलब कि बैंक्रप्सी जो है वो डिक्लेयर कर दे कि उसके पास अभी कोई भी पैसा नहीं है. तो यही सारे रेशियोज के आधार आप डिसाइड कर सकते हो या मेजर कर सकते हो कि सोलवेंसी जो है वो कितनी है. चलिए फ्रेंड्स देखते हैं. व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या है? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आर द एक्टिविटीज़ विच आर मेन एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस टू अर्न इनकम, विच आर नाइदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटी. अभी तो ये जो हो गया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी नहीं है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी नहीं है. ऐसी सारी एक्टिविटीज़ आएंगी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में. तो चलिए ये डेफिनेशन भी आसान है आपके लिए, इजीली याद भी रह गया होगा आपको. और ये सभी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं कि जो मेन एक्टिविटीज़ है बिजनेस की. जैसे कि आप बैंक में जाते हो तो आप देखोगे कि कैश डिपॉजिट हो रहा है, लोग कैश जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं, कई सारे ऐसे रूटीन ऑपरेशंस डे टू डे लाइफ में होते रहते हैं, तो वो सारी एक्टिविटीज़ को बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी. उसका मतलब है कि ये मेन एक्टिविटीज़ हैं बिजनेस की. किसके लिए? टू अर्न द इनकम. इनकम करने के लिए मेन एक्टिविटीज़ जो है वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी. और इन एडिशन टू दैट दे आर नाइदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटी. चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट वन.
what is change is in the stock. Mention the formula of the change in the stock. So the difference of opening and closing stock is called change in the stock. हमको already पता ही है, कई बार हम ये calculate कर चुके होंगे. तो operating stock और closing stock का जो difference है उसको बोलते हैं changes in the stock. Okay. Who gives the share in goodwill to the retiring or the deceased partner? मतलब कि गुडविल में कौन शेयर देगा रिटायरिंग पार्टनर को या फिर डिजीज्ड पार्टनर को, मतलब जिसके डेथ हो गई है उसको. तो कंटिन्यूइंग बेनिफिशियल पार्टनर्स विल गिव दिस बेनिफिट टू द रिटायरिंग एंड डिजीज्ड पार्टनर. जो भी अभी बेनिफिशियली है, मतलब कि जो भी अभी कंटिन्यू है पार्टनरशिप में, वही लोग जो हैं वो क्या देंगे शेयर ऑफ गुडविल किसको, रिटायरिंग पार्टनर को या फिर जिसकी डेथ हो गई है उसको. तो गुडविल जो है वो कंटिन्यूइंग बेनिफिशियल पार्टनर्स को दिया जाएगा, मतलब वो पार्टनर्स की जो अभी पार्टनर्स बिजनेस में हैं, प्रेजेंट रहने वाले हैं. वो हैज़ टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म. तो जब भी फॉर्म डिसोल्व होगी, मतलब कि उसका बिजनेस एंड हो जाएगा, तो उसका जो डिसोल्यूशन एक्सपेंस है वो कौन बियर करेगा? तो आंसर सिंपल है, फॉर्म बंद हो रही है तो फॉर्म ही बियर करेगी उसका डिसोल्यूशन एक्सपेंस, कोई पार्टनर बियर नहीं करेगा. चले देखते हैं लास्ट एक दो क्वेश्चंस. व्हाट इज द अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर्स? सो इफ एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड फॉर मोर नंबर ऑफ शेयर्स देन द शेयर्स इश्यूड फॉर द पब्लिक इट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन. मतलब कि जितने शेयर्स के लिए इश्यू दिया गया है उससे ज़्यादा एप्लीकेशन अगर रिसीव होती है तो वो होगा ओवर सब्सक्रिप्शन. तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो रेड में यहाँ पे अंडरलाइन करके दिया गया है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मोर नंबर ऑफ शेयर्स देन द शेयर्स इश्यूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन. मतलब पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए हमने जितने शेयर्स इश्यू किए हैं उससे ज़्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन हमको मिली तो उसको बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन. यहाँ पे वर्ड्स आपको बहुत ही ध्यान रखने हैं, बहुत ही केयरफुली उसको लिखना है, वरना उसका मीनिंग जो है वो बदल जाएगा. तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, एप्लीकेशंस जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए किससे, जो पब्लिक में इश्यू कर रहे हैं उससे, उन शेयर्स से एप्लीकेशन वाले शेयर्स ज़्यादा होने चाहिए. ऑन द अदर साइड अगर वो शेयर कम है तो उसको बोला जाएगा अंडर सब्सक्रिप्शन. मतलब कि एप्लीकेशन रिसीव्ड आर लेस नंबर ऑफ शेयर्स देन द शेयर्स इश्यूड फॉर पब्लिक, तो वो बोला जाएगा अंडर सब्सक्रिप्शन. चलिए फ्रेंड्स देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का. राइट द जर्नल एंट्री फॉर इश्यूइंग डिबेंचर्स एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी. मतलब अगर आप डिबेंचर को इश्यू कर रहे हो एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी तो उसका एडजस्टमेंट, उसका जर्नल एंट्री क्या होगा? तो वो होगा डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू द डिबेंचर्स. क्योंकि वो जो है वो डेबिट कहाँ से होगा, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट से, क्योंकि उसको आप कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर इश्यू कर रहे हो. तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट होगा डेबिट और डिबेंचर अकाउंट जो है वो होगा क्रेडिट. तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. अगर आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे और वीडियोस जानने के लिए या देखने के लिए आप कभी भी लक्ष्य में कॉल कर सकते हैं, लक्ष्य ज्वाइन कर सकते हैं. सो दैट्स इट फ्रॉम प्रोफेसर डॉक्टर गौरव मेहता टुडे. दिस इज साइनिंग ऑफ.